नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक ऐसी औषधि वनस्पति के बारे में जानेंगे जो बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा ये फायदेमंद है। इसका नाम है मोरिंगा। ये डाइजेशन को बूस्ट करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, वेट लॉस के लिए, त्वचा विकारों को कम करने के लिए, यहाँ तक कि महिलाओं में भी पीरियड से संबंधित अगर उनको प्रॉब्लम है, यानी महावारी ठीक से नहीं हो रही है, स्त्राव ठीक से नहीं है, तो इन सभी कंडीशंस में बहुत अच्छी औषधि है। इसे संस्कृत में शिग्रू या शोभांजन कहा जाता है, इंग्लिश में इसे ड्रमस्टिक प्लांट कहते हैं, हिंदी में सहजन, मराठी में शेवगा या गुजराती में इसे सरगवो कहते हैं। आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, ये आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे भारतीय खान पान में हमेशा से सहजन का खान पान में समावेश किया गया है। जैसे कि सहजन की ये जो फलियाँ है, इनको उबाल के या इनका सूप बना के या फिर दाल में पका के हमेशा से खाया गया है। यहाँ तक कि इसके जो पत्ते हैं, इसकी भी सब्जी यानी जो साग है वो बनाया जाता है। जिन लोगों को इसके सारे हेल्थ बेनिफिट चाहिए वो लोग इसके पत्तों का जो पाउडर है यानी जो चूर्ण है इसका भी सेवन करते हैं। आयुर्वेद की संहिताओं में भी सहजन के जो मूल है या इसके पेड़ की जो छाल है, ये फलियाँ, पत्ते, बीज, इन सारी चीज़ों का औषधि उपयोग बताया गया है। मोरिंगा में पोटेशियम, विटामिन ए, आयरन और कैल्शियम है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, यहाँ तक कि इसे सुपर फूड कहा जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हमें पता है। आज के वीडियो का उद्देश्य ये है कि मोरिंगा यानी सहजन को हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से जाने कि जो चीज़ें हमें आयुर्वेद में बताई गई है और जो हमें पता नहीं है वो कौन सी है, आयुर्वेद की संहिताओं में इसके बारे में क्या बताया है, इसके गुणधर्म क्या है, शरीर के वात पित्त कफ दोषों पर क्या असर है, किस प्रकृति के लिए यानी बॉडी टाइप के लिए बहुत अच्छी औषधि है और किन लोगों ने इसको अवॉइड करना है, इसके फायदे क्या है और साथ ही में आपने क्या सावधानी लेनी है। क्योंकि देखिए, कोई भी औषधि कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसका हमने हमेशा युक्तिपूर्वक प्रयोग करना है ताकि आपको उसके सारे फायदे मिल सके। सहजन यानी शिग्रू को लघु रुक्ष तीक्ष्ण कहा गया है। लघु यानी ये पचने के लिए हल्का है, इसके साथ ही रुक्ष यानी थोड़ा सा ये रुखापन उत्पन्न करने वाला है और तीक्ष्णता इसमें है। इसकी जो तासीर है वो गर्म है। ये शरीर में वात और कफ को कम करता है लेकिन पित्त को बढ़ाता है। तो जिन लोगों को शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जलन होती है, पसीना ज़्यादा आता है, उन लोगों ने इसका सेवन बहुत संभाल के करना ज़रूरी है। इसे विदाही कहा गया है, यानी शरीर में एक तरह की जलन उत्पन्न करता है। अब चलिए देखते हैं कि सहजन यानी मोरिंगा के सेवन से आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। मोरिंगा डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अब देखिए, इसे रोचन करने वाला कहा गया है, यानी अगर किसी की खाना खाने का किसी का मन नहीं होता, इच्छा नहीं होती या खाने का स्वाद नहीं आता तो उसको ये बढ़ाता है। अगर किसी के जीभ पे सफेद परत है तो उसको कम करने के लिए मदद करता है। इसे जिह्वा शोधन करने वाला कहा गया है, यहाँ तक कि हमारी जठराग्नि को बढ़ाने के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए, खाना ठीक से पचाने के लिए भी ये मदद करता है। कृमि में यानी अगर किसी को पेट में कीड़े है, वर्म्स है, स्पेशली छोटे बच्चों में अगर ये तकलीफ है तो उनकी इस तकलीफ को भी ये कम करता है। जिन लोगों को वातज गुल्म है यानी पेट में गोला सा घूमता है या दर्द होता है, वो लोग ये जो सहजन के पत्ते है इसका रस निकाल के, लगभग 2 चम्मच रस, उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल के आप इसका सेवन अगर करते हैं तो आपकी ये तकलीफ काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये सहजन डाइजेशन को अच्छा रखने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए मदद करता है। और जब आपका डाइजेशन अच्छा हो जाता है तो फिर वेट लॉस करने में भी मदद मिलती है, बेली फैट कम करने में, यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल कम करने में, चर्बी है, फैट डिपोजिशन है, ये सारी चीज़ें कम करने के लिए बहुत अच्छे से मदद मिल जाती है। अगर आपको शरीर में कहीं पे भी दर्द है तो आयुर्वेद के अनुसार ये दर्द हमेशा वात के बढ़ने के कारण होता है और ये जो मोरिंगा या सहजन है ये शरीर में वात को कम करता है तो दर्द को भी कम करता है। अगर आपको संधिवात है यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको आम वात है यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जोड़ों में सूजन है या स्टिफनेस है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो फिर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब इसे 2 तरह से लिया जा सकता है, जैसे कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन और ओरली भी आप इसे ले सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए जो मोरिंगा के जो पत्ते हैं इनको पीस के इसका लेप आप वहाँ पर कर सकते हैं, यानी लोकली आपने इसे अप्लाई करना है, और दूसरा पेट में भी इसका सेवन कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो मोरिंगा के पत्ते हैं इसका चूर्ण आपको रेडी भी मिल जाता है, लेकिन इसका अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है।
आप अतार आयुर्वेदा का ये जो मोरिंगा पाउडर है ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से प्योर और नेचुरल है। ये एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसमें जो सहजन के ताज़े पत्ते हैं इसको अच्छी तरह से सुखा के फिर ये पाउडर बनाया जाता है। ये नॉन GMO प्रोडक्ट है और इसमें कोई भी पेस्टिसाइड्स या प्रिजर्वेटिव्स या एडिटिव्स नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सेवन आपने किस तरह से करना है। मोरिंगा पाउडर को आपने 1 से 3 ग्राम की मात्रा में यानी पाव से आधा चम्मच लेना है। मैक्सिमम 1 चम्मच तक यानी 5 ग्राम की क्वांटिटी तक आप ले सकते हैं। इसे आपने हल्के गुनगुने पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करके फिर इसका सेवन करना है। सुबह खाली पेट आपने लेना है यानी प्रिफरेबली आपने इसे एम्प्टी स्टमक लेना है। देखिए जब भी कोई औषधि हम सुबह खाली पेट लेते हैं तो इसका एब्सॉर्प्शन और अच्छे से होता है, और बहुत कम क्वांटिटी में भी आपने इसे लिया तो भी आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। कुछ लोगों को मोरिंगा पाउडर की टेस्ट इतनी अच्छी नहीं लगती, तो अगर आपको भी ये टेस्ट पसंद नहीं है तो ये जो मोरिंगा पाउडर आपने जब आप पानी में मिलाते हो तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी आप मिला सकते हो ताकि आपको इसकी टेस्ट अच्छी लगे, या तो फिर आप इसे छाछ यानी बटर मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। तो थोड़े से बटर मिल्क में आप ये चूर्ण मिक्स करके उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक है और थोड़ा सा भुना हुआ जो जीरा है उसका पाउडर मिला के अगर आप इसे लेते हैं तो इसकी टेस्ट भी अच्छी लगेगी, आप इसे अच्छे से ले पाएंगे। अगर आपको मोरिंगा पाउडर लेना इतना कन्वीनियंट नहीं है तो आप इसे टैबलेट के फॉर्म में भी ले सकते हैं। आप ये जो अतार आयुर्वेदा की मोरिंगा टैबलेट से इसका सेवन कर सकते हैं। इसका डोज है 1 टैबलेट दिन में 2 बार। अगर आपकी तकलीफ ज़्यादा है तो आप इसका डोज थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से ये जो अतार आयुर्वेदा का मोरिंगा पाउडर है और मोरिंगा टैबलेट है, इसके बारे में आप और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से इन्हें चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम मोरिंगा के जो अगले बेनिफिट्स है उसके बारे में देखते हैं। सहजन हृदय के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। इसे हृदयोत्तेजक कहा गया है यानी ये हार्ट के फंक्शन को एक्टिवेट करने का काम करता है, हृदय को बल प्रदान करता है। जिन लोगों का BP बहुत कम हो जाता है इसको बढ़ाने का काम करता है। लेकिन हमने इसके पहले देखा कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, तो जिन लोगों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के कारण जिनका BP बढ़ा हुआ है उनका BP ये कम करने का काम करता है। तो इस तरह से ये BP को नियंत्रित करने में, उसको बैलेंस करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। खास करके जिन लोगों के शरीर में वात और कफ के कारण हृदय विकार है उनकी तकलीफ को ये कम करता है। लेकिन अगर आपको पित्त की तकलीफ है, शरीर में जलन है, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपने इसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि इसकी तासीर गर्म है, ये तीक्ष्ण है, ये पित्त दोष को बढ़ाता है और ये विदाही है, शरीर में जलन उत्पन्न करता है। अगर आपको इसके सेवन के बाद कोई भी तकलीफ लगी तो उसके दोष को निवारण करने के लिए जो गाय का दूध है या फिर गाय का जो दूध है उससे बना हुआ जो घी है या फिर मक्खन है इसका सेवन आप कर सकते हैं। तो जो भी बढ़ा हुआ पित्त है इसको कम करने के लिए या इन दोषों के निवारण के लिए आपको मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए भी सहजन एक बहुत अच्छी औषधि है। अगर आपको कष्टार्तव है यानी मासिक धर्म के समय अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है या फिर आपका पीरियड समय से नहीं आता, लेट रहता है, पीरियड के दिनों में आपको फ्लो बहुत कम जाता है, या फिर किसी को अगर यूट्रेन फाइब्रॉइड है यानी गर्भाशय में गांठ बन गई है या फिर PCOD जैसी तकलीफ है, तो इन सभी अवस्थाओं में सहजन का जो सेवन है वो फ़ायदेमंद रहेगा। जो महिलाएं जिनका मेनोपॉज होके गया है और मेनोपॉज के बाद शरीर में वेट गेन की टेंडेंसी है, चर्बी ज़्यादा जमी हुई है और वेट बढ़ने के कारण जोड़ों में दर्द होता है, तो इन तरह की सभी समस्याओं में आप सहजन का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको हमेशा सिर में दर्द रहता है, भारीपन रहता है या फिर चक्कर आती है, या किसी को अगर नाक से हमेशा स्राव निकलता है, नोज ब्लॉक हो जाता है, तो इस अवस्था में आयुर्वेद में शिग्रू का यानी ये जो सहजन है इसका नस्य करने के लिए बताया है। तो इसके जो बीज है इसको घिस के उसका भी नस्य किया जाता है, या जो ये सहजन के पत्ते है इसका रस निकाल के इसे तेल सिद्ध करके उसका नस्य किया जाता है। इससे जो जमा कफ है वो निकलने के लिए मदद मिलती है, लेकिन इसके लिए आप आपके नज़दीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। जिन लोगों के शरीर में वात और कफ के बढ़ने के कारण कोई त्वचा विकार है, चर्म रोग है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, लेकिन जिनको पसीना बिल्कुल नहीं आता, ऐसे लोगों के लिए सहजन एक बहुत अच्छी औषधि है। क्योंकि सहजन का जो एक फ़ायदा बताया है ये स्वेद जनन करने वाला है, उष्ण तीक्ष्ण है, तो ये पसीना बढ़ा के शरीर में जो दूषित तत्व है टॉक्सिन से इनको शरीर से बाहर निकाल के आपके त्वचा विकारों को भी ठीक करता है। तो इस तरह से
ये एक नेचुरल डिटॉक्स है, ये त्वचा के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। यहाँ तक कि विद्रधि में, यानी अगर आपको पस हुआ है, फोड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर इसका लेप भी किया जाता है और उसी समय पे ओरली भी इसका, यानी इसको पेट में भी लिया जाता है, तो उसमें पस जो है वो निकलने के लिए, घाव जल्दी भरने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। आज भी हम इसे एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी समझते हैं, तो यही सारी चीज़ें आयुर्वेद में हजारों साल पहले हमें बताई हुई है। जिन लोगों को ठंडी लग के बुखार आता है, उन लोगों ने ये जो सहजन की फलियां है इसका सूप बना के लेना चाहिए, तो उनको पसीना आके उनका बुखार कम होने के लिए मदद मिल जाती है। यहाँ तक कि शरीर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी उन्हें बहुत अच्छे से मदद मिलती है। अब देखिए, आयुर्वेद में इसे बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस में लेने के लिए बताया है, सिर्फ आपने इसका प्रयोग युक्तिपूर्वक करना है। इसका डोज भी जो आयुर्वेद में दिया है, तो जैसे कि इसकी छाल है उसका काढ़ा बना के आप ले सकते हैं, उसकी मात्रा है 40 से 60 ml। जो बीज आते हैं इसके, इसका जो चूर्ण है इसकी मात्रा है 1 से 3 ग्राम की। अगर आप इसके ताज़े पत्तों का रस निकाल के, जिसे स्वरस कहा जाता है, ये लेते हैं, तो इसकी मात्रा है 2 से 4 चम्मच की। आप आपके खान पान में भी इसका सेवन कर सकते हैं, जैसे इसका जो ये फलिया है इसका सूप बना के, इसको दाल में पका के, या तो पत्तों की सब्जी बना के आप ले सकते हैं। आप इस गुणकारी औषधि का आपके खान पान में समावेश ज़रूर करें। अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार आप इसे बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपने नहीं बनानी है। सिर्फ जिनके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, उन्होंने इसका सेवन बहुत ही संभाल के करना है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने मोरिंगा, सहजन या शिग्रू, इस गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि वनस्पति की पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आयुर्वेद का ज्ञान पता चले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।